भाजपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। शहर के लंका मैदान में भाजपा मुखिया मायावती के जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तमाम बसपा नेता और बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसपा नेता और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर बसपा मुखिया मायावती के जन्मदिन का जश्न मनाया। इस दौरान बसपा नेता और कार्यकर्ताओं का उत्सव का माहौल देखने को मिला। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहाँ पर लंका मैदान में बसपा के मुखिया मायावती का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पर केक काट कर उनके समर्थकों ने केक लोगों के बीच बांटा और उनके जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु की कामना करी। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहाँ पर बड़े ही धूमधाम से बसपा मुखिया मायावती का जन्मदिन मनाया जा रहा है। नाम धर दिए हैं अब्दुल, तो सूद के उस सारा भैंसा कहते नहीं। अब इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। 80 वोट से लोकसभा का चुनाव हरा दिया गया मछली शहर में। सरकारी दिवस के अवसर पर युग परिवर्तक माननीय साहब को जय भीम। लेकिन अभी मंचों से हम समाज के भाइयों ने भारत समाज के भाइयों ने हम जाने लोग आप सही ना भी तुम आज आवे तो लोगों के सही ला तो लोग बात रहेगा। और 1 करोड़ हर साल रोजगार पाए हुए लोगों को बेरोजगार बना रही है ये सरकार। बोलो ये सच्चाई है या नहीं है? मुगल सराय का नाम दीनदयाल नगर रख ली है जा, पूछिए का काम कर जा। तो इलाहाबाद के प्रयागराज बना दे लिए जा, और का कैला है जा। तो अखिलेश भैया 100 नंबर चले ले रहा, ओके हमनी का 2 नंबर बढ़ा के 112 नंबर का दे बन जा। यह नागरिकता संशोधन बिल जो पास हुआ, भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में स्पष्ट व्यवस्था है, संप्रदाय के नाम पर, वर्ग के नाम पर, कौम के नाम पर किसी से भी भेद नहीं किया जा सकता। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है। आजकल पहले पूछते थे हम लोग बड़े बड़े मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं से भी बात होती थी, तो जब बात चलती थी संविधान की कि बाबा साहब के संविधान के वजह से आज देश इसकी एकता, इसकी अखंडता, इसकी स्मृति सुरक्षित है, तो बात लोगों को समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज सबको समझ में आ गई कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में यह व्यवस्था न दी होती तो जो संसद में बिल पास हुआ पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा में, उसे हम सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे पाते। आज चुनौती है सुप्रीम कोर्ट में और जवाब देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संविधान में यह अधिकार चुनी हुई सरकारों को दिया गया कि आप कानून बना सकते हो, लेकिन कानून जो बनाओगे वो संविधान की मूल धारा के विपरीत नहीं होना चाहिए। इन्होंने कानून बनाया कि दूसरे देश से जो लोग आए हैं, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, हम उनको यदि वो हिंदू धर्म के मानने वाले हों, बौद्ध धर्म के मानने वाले हों, ईसाई या सिख धर्म के मानने वाले हों, तो हम उन्हें भारत की नागरिकता दे देंगे। अब एक धर्म का नाम न लेना यह स्पष्ट सिद्ध है कि इस धर्म के मानने वालों को मान्यता नहीं दी जाएगी।